इंस्टाग्राम में मेरा बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि डॉग कैसे इंपोर्ट किया जाए इंडिया में। तो आज डॉग आप कैसे इंपोर्ट करोगे इंडिया में, तो वही टॉपिक के लिए हम आज कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और जिसको भी डॉग इंपोर्ट कराना है उसको बहुत सारा मदद ये वीडियो से मिलेगा। तो मैं हूँ राज और आप देख रहे हो डॉगिस लाइफ, और जुड़ा रहिएगा ये चैनल के साथ क्योंकि पेट रिलेटेड वीडियो हम लोग का चैनल पे आता ही रहता है। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिसको भी स्किप करके देखने का यह है तो वो वीडियो उसका कोई काम का नहीं है। तो प्लीज़ अगर जिसको स्किप करना है ये वीडियो से आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा और बाद में आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आया। तो अगर आपको ये मैटर आपको मतलब चाहिए कि आपको चाहते हो डॉग इंपोर्ट करना कैसे क्या आपका ज़रूरी होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट माइक्रोचिप, आप जब डॉग इंपोर्ट करोगे तो वो डॉग का माइक्रोचिप होना बहुत ही ज़रूरी है। वो माइक्रोचिप ISO 11784 एंड 11785 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एंड माइक्रोचिप में आपका वो जो डॉग ओनर है उसका टोटल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है एंड उसका 15 डिजिट का आपका नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। एंड उसके बाद आता है आपका इंपोर्ट परमिट। आपका मान लो आप US से, रशिया से और दूसरा कंट्री से आप अगर डॉग यहाँ पे मंगाना चाह रहे हो तो इंपोर्ट लाइसेंस का बहुत ही ज़रूरी है, DGFT। DGFT इंडिया का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, वहाँ से आपका इंपोर्ट लाइसेंस, आपको इंपोर्ट का जो परमिट होता है वहाँ से ही मिलेगा। एंड जब आप वो परमिट के लिए अप्लाई करोगे, मतलब वो डॉग लाने के लिए, फर्स्ट आपका ओनर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मान लो जो बाहर का डॉग ओनर है उन्होंने उनका एक तो NOC देना पड़ता है कि कोई मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये फलाना कंट्री में जाएगा और मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर वाई के पास मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जब आएगा वो डॉग तब 30 डेज का क्वारंटाइन उसको करना पड़ता है, अगर डॉग आपका बीमार हो तो वो क्वारंटाइन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। यहाँ का जो क्वारंटाइन सेंटर है वो आपका यहाँ से आपका डॉग का जो वेटरिनेरियन है उनसे आपको मिल जाएगा क्वारंटाइन सेंटर का, वहाँ से एक तो NOC बनाना पड़ता है कि वो लोग वो डॉग आपका रख लेगा 30 दिन के लिए, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड ये सब सबमिट करने के बाद ही आप डॉग बाहर से ला सकते हो। नॉट ओनली ये, और कुछ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी है। नंबर 3, वैक्सीनेशन का बहुत ज़रूरी है। जब आप वैक्सीनेशन वो अगर नहीं रहेगा तो आपका डॉग यहाँ पे आप ला नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपका डॉग मान लो आज प्लेन में उठेगा बाहर कोई कंट्री से, तो उसका 30 दिन पहले उसका रेबीज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रेबीज नहीं रहेगा, उसके साथ साथ और कुछ वैक्सीनेशन है, और अगर नहीं रहेगा तो आपका आपका जो डॉग है, जो पपी है, तो आप वो ला नहीं सकते हो। एंड फर्स्ट जो रेबीज है
वो 1 साल का होता है और 3 साल का होता है। तो 1 साल का जो होता है वही इंडिया में परमिटेड है, 3 साल का जो रेबीज है वो इंडिया में परमिटेड नहीं है। तो आप जिससे डॉग ले रहे हो उसको साफ साफ बोल दीजिएगा 1 साल वाला लगाने के लिए, क्योंकि 3 साल वाला अगर आप बाई चांस लगा लिया, मतलब वो लोग अगर दे दिए तो वो आपका कोई काम का नहीं है। तो आपको 1 साल वाला जो रेबीज का वैक्सीनेशन आता है वही आपको डालना है। एंड उसके साथ साथ पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा एंड लेप्टो वैक्सीनेशन उसका ज़रूरी है। तो ये अगर आपका डॉग का हेल्थ कार्ड में, वैक्सीनेशन कार्ड में नहीं रहेगा ये सब आपका वैक्सीनेशन, तो आप डॉग इंडिया में ला नहीं सकते हो। और सबसे बात है, सबसे बड़ा बात है कि प्रॉपरली वैक्सीनेशन का ज़रूरी है। ये अगर आपका नहीं होगा तो आप इंडिया में डॉग नहीं ला सकते हो। और उसके बाद है ब्लड टीटर बोल के एक तो टेस्ट होता है जो इंडिया में अभी तक ज़रूरी नहीं है। वो टेस्ट अगर ना भी कीजिएगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप आसानी से ला सकते हो। वो टेस्ट का ज़रूरी इंडिया में नहीं पड़ता है। और उसके बाद आता है 5 नंबर, हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट का बहुत ज़रूरी है। जब आप डॉग आएगा उसका 10 दिन पहले का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वहाँ का जो वहाँ पे जो वेटरिनेरियन है वहाँ से आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। वो USDA और CIFA सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये सब जो टर्म हम बोल रहा हूँ ये आपको जहाँ जब आप इंपोर्ट कीजिएगा वो लोग आसानी से कर देगा। ये ज़्यादा कुछ मतलब उलझाने वाला काम नहीं है, ये लोग आसानी से कर देगा। एंड ये जो सर्टिफिकेट होता है आपका 10 दिन होने का, मतलब बिफोर 10 डेज का भीतर होना चाहिए। मान लो आज आपका डॉग फ्लाइट में फ्लाइट पकड़ेगा तो उसका 10 दिन के भीतर होना चाहिए। 10 दिन से अगर ओवर हो गया तो वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, ठीक है। और जो बैंड आपका, ओ सॉरी, और एक तो बात हम मिस कर गया, और एक तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मान लो आप रशिया से आ रहा है या US से आ रहा है या कनाडा से आ रहा है तो वहाँ से एक तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है। तो वहाँ का जो आपका संस्था है गवर्नमेंट का, तो वो लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कर देता है जिसको पासपोर्ट बोला जाता है। वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ पे बन जाएगा। आप जब ये सब प्रोड्यूस करोगे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, उसके बाद ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, उसका कोई असुविधा नहीं है। और बैंड आइटम, मतलब बैंड डॉग है जो इंडिया में, ऐसे तो फिलहाल कोई बैंड डॉग नहीं था, लेकिन 1 साल पहले पिटबुल को बैंड डॉग घोषित कर दिया है। तो आप पिटबुल ला ले, मतलब नहीं ला पाओगे। और दूसरा जो एग्रेसिव ब्रीड है, कुछ मतलब लिस्ट में नहीं है ऐसा, तो वो लाना मतलब मुश्किल है। और जो आप डॉग जब आप लाओगे उसके बाद आपका जो कंडीशन अगर अच्छा रहेगा तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखने का ज़रूरी नहीं है। तो 14 डेज आप आपका होम क्वारंटाइन रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्वारंटाइन वाला, क्वारंटाइन सेंटर वाला जो आपका ये है वो आपको मतलब सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका ये पूरा जो मसला है वो आपका नहीं हो पाएगा। एंड और एक तो
मतलब वे है डॉक यहाँ पे आपका लाने का, मतलब मान लो आप 2 साल से या 3 साल से ऊपर बाहर में रह रहे हो तो आपके पास डॉग है वो भी आप ला सकते हो। लेकिन और एक तो बात हम बोल रहा हूँ, कमर्शियल पर्पस और ब्रीडिंग पर्पस पे डॉग लाना इंडिया में बैंड है, प्रोहिबिटेड है। आप कमर्शियल या ब्रीडिंग पर्पस के लिए डॉग नहीं ला सकते हो, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कोई कमर्शियल या ब्रीडिंग पर्पस पे डॉग नहीं ला रहे हो, अपना शौक से, अपना शौक पूरा करने के लिए ला रहे हो, ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर ये डिक्लेरेशन आप नहीं दोगे तो सॉरी, आप ला नहीं पाओगे। कोई भी डॉग आप जब इंडिया में लाओगे तो इंडिया का क्लियरिंग के लिए जो कस्टम मतलब कस्टम्स का जो ड्यूटी म्यूटी ये सब के लिए आपका एजेंट है, इंपोर्ट जिसका लाइसेंस होता है, तो आप इंपोर्टर से बात कर सकते हो। ऐसे हम लोग भी DGFT इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर हूँ हम लोग, और हम लोग ये काम करता है मतलब बहुत दिन से, और काफ़ी सारा नॉट ओनली डॉग, हम लोग दूसरा मटेरियल भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और हम लोग का थ्रू आप लोग अगर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो ट्विटर में मैसेज कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। टोटल हम जो आपका प्रोसीजर है आपको हम क्लियर कर देंगे। ये हम जो बोले आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरा बात क्लियर कर देंगे। लेकिन और एक तो सबसे बड़ा बात है कि आप जब डॉग जिससे आप ले रहे हो बाहर का जो ब्रीडर है वो आपको अगर पता नहीं है तो वो ब्रीडर का लिस्ट हम लोग से मिल जाएगा, कोई भी कंट्री का हो तो आप हमको बोलिएगा, तो अकॉर्डिंग टू ब्रीड हम आपको ब्रीडर का नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड आपको अगर घर बैठे डॉग फूड या एनी पेट रिलेटेड कोई भी जैसे डॉग का खिलौना हो, ऐसे कोई भी पेट का कुछ भी अगर चाहिए, होम डिलीवरी अवेलेबल है और आपका कैश ऑन डिलीवरी है अवेलेबल है फ्रॉम अमेज़न, नीचे दिया हुआ जो लिंक है वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल कोई खतरे का चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको कोई एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट आपको नहीं थमाएगा, जो सही है वो आपको थमाएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपका कोई भी काम आया तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेट रिलेटेड वीडियो हम लोग का चैनल पे आता ही रहता है।